विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। आज नवरात्रि का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही हैं। आश्चर्य, ये कब और कैसे हुआ ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियाँ माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की, जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। ब्रह्मदेव, आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे। नारायण, सृष्टि के पालन करने का कार्यभार आपका। महादेव, समय आने पर आप संसार के संहारक होंगे। देवी सिद्धिदात्री, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिए, किंतु इन दायित्वों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप में आपकी शक्तियां तो पूर्व से ही आपके साथ थी, किंतु मैं आपको सिद्धियां प्रदान कर आपको आपके दायित्व निभाने का सामर्थ्य प्रदान करती हूं। सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धियां मैं आपको प्रदान करूंगी वो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। लघिमा, शरीर का भार कम करने की सिद्धि। प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकम, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। महिमा, इच्छा अनुसार विशाल काय होने की सिद्धि। इसी तत्व, समूचिक सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की सिद्धि। सर्वकाम विषयता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं सर्वज्ञ तत्व, जिससे किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री
हेमा सिद्धि दात्री मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि हेमा ध्याते दिवस और रात्रि होमा ध्याते दिवस और रात्रि सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है, महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है, और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की आरती करेंगे। सिद्धि दात्री मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि है माँ ध्याते दिवस और रात्रि है माँ ध्याते दिवस और रात्रि। आज देवी की पूजा संपन्न हुई है तो महाराज देवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे, क्योंकि यही कहा था गणेश ने, नवरात्रि पूजा संपन्न होने पर महादेव और देवी पार्वती के संयोग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी। आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है,
यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें मुझे काशी छोड़कर जाना होगा कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राज काशी छोड़कर जाना कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं, 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 नहीं। उद्दद भान सहस्त्र कांतिम रुण क्षामां शिरो माता रक्तालिप्त पयोधराम जप पटिं विद्यां भीतिं वरम हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्र विलसत्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वंदे समन्विस्मितां। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी, किंतु स्वामी, स्वामी रुक जाइए स्वामी। माता, मैंने आपको महादेव से दूर रहने पर विवश किया और फिर भी आप मुझे अपने सभी स्वरूपों में दिव्य दर्शन प्रदान कर मुझे अपना आशीष प्रदान किया। मैं आपका दोषी हूँ माता। ये मैंने क्या किया माता? माता! माता! महाराज! प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए हम। महाराज देवोदास, महारानी सरला, ओम जयंती मंगला। मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय ने आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा संपन्न कर आपके समस्त चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, जिसके कारण माया की वो महीम परत जो आपकी दृष्टि और बुद्धि को बाधित कर रही थी अब वो भी हट गई और मेरी कृपा से आप दोनों को अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। और अब आप ये समझने भी सक्षम कि 10 महादेवियां भी मैं और 9 देवी भी मैं ही। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतीयतः।
जग जननी जय जय। आप दोनों मेरे पूर्ण दिव्य दर्शन और मेरे प्रत्येक स्वरूप में मेरा आशीष भी प्राप्त हुआ। तारिणी भय हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। प्रभु आपने हमसे पूर्ण विधि विधान से नवरात्रि पूजन करा के हमें कृतार्थ कर दिया। प्रभु कृतार्थ कर दिया। महाराज हम तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब नवरात्रि पूजन संपन्न हो चुका है। प्रभु मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं। प्रभु बहुत बड़ी भूल। आज मुझे आभास हुआ कि महादेव को काशी से प्रस्थान करने पर विवश कर मैंने कितनी बड़ी भूल की। कितनी बड़ी भूल तो सुधारी भी जा सकती है महाराज। किंतु कैसे गणेश जी, जब तक मैं यहाँ काशी में हूँ महादेव यहाँ वापस नहीं आ सकते, और काशी का राजा होने के कारण मैं काशी से कहीं नहीं जा सकता। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। प्रभु आपने कहा था कि 10 दिवस में महाराज की मृत्यु होगी, तो क्या वास्तव में उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? नारायण, प्रभु मेरे आराध्य। प्रथम पूज्य गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा देवदास? ये सत्य है कि आप जैसे धर्मात्मा को मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु ये भी सत्य है कि महादेव के काशी लौटने हेतु अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उसके लिए आपको अपने प्राण से वंचित होने अथवा देह को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आपने देवी का पूजन किया है महाराज देवदास, और काशी तो मेरे महादेव का स्थान है, इसलिए काशी मुझे भी प्रिय है। इसलिए मैं काशी में एक सरोवर की रचना करूंगा, जहां पे आप एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिससे आप महादेव को उनकी काशी से बाहर और उनकी शक्ति से दूर करने के पाप से दोष मुक्त होंगे। उसके पश्चात मैं आपको और महारानी सरला को सशरीर वैकुंठ लेके जाऊंगा। ये सरोवर देवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो। देवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो। देवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो। मामा जी
आपने काशी में अपना सरोवर स्थापित कर काशी को संपूर्णता प्रदान की है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी देवता शेष नहीं है जिनका काशी में स्थान ना हो, जैसे कि पिताश्री का विश्वनाथ मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्म देव का दशा अश्वमेध घाट, सूर्य देव की द्वादश कुंड और योगिनी माताओं के 64 योगिनी घाट। महाराज दीवदास, अब आपका काशी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, मैंने महादेव को काशी से दूर भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। माता और महादेव को दीर्घ अवधि के लिए एक दूसरे से विलग रखा। मैं इसका पश्चाताप सदैव करता रहूंगा। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, अपनी भूल स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही महान कहलाता है। आज नवरात्रि का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप, माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही है। आश्चर्य, ये कब और कैसे हुआ ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की, जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। आपने कहा था कि 10 दिवस में महाराज की मृत्यु होगी, तो क्या वास्तव में उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? प्रथम पूज्य गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा दीवदास?